चुनाव है ना, चुनाव है, चुनाव में राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। जब प्रभु श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी वहां, तब राष्ट्रपति जी को नहीं बुलाया था, तब राष्ट्रपति जी को हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी, महिला राष्ट्रपति द्रौपदी जी को बहुत दूर रखा था, उनको इनवाइट तक नहीं किया था। हाँ, उस वक्त उनको बुलाने की सबसे ज्यादा जरूरत थी, उनका सम्मान करने की जरूरत थी। लेकिन अब चुनाव है, तो चुनाव में एक माहौल बनाने के लिए राष्ट्रपति जी को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वहां भेजा गया है एक माहौल बनाने के लिए। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे 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 घटना होती रहेगी देश में, जब तक चुनाव खत्म नहीं होता है। राष्ट्रपति जी को इस मंदिर में भेजेंगे, उस मंदिर में भेजेंगे, प्रधानमंत्री भी जाते रहेंगे, भस्म चंदन लगाएंगे, तो फोटो भी आ जाएगा। योगी जी उत्तर प्रदेश लूज कर रहे हैं, हार रहे हैं, आप देख लीजिए। रत्नागिरी में आइए, कल कोल्हापुर सांगली में है, हम भी है कल, कल हमारा भी सामना हो जाएगा, स्वागत है। लेकिन आप महाराष्ट्र में आइए, आप कहां भी जाइए, अब लोग आपको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। 10 साल में आपको बहुत झेला है, अब नहीं झेलना चाहते। आज महाराष्ट्र दिन भी है, आज के दिन ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने महाराष्ट्र राज्य की घोषणा की थी। इस महाराष्ट्र राज्य के लिए 5 साल तक संघर्ष करना पड़ा यहाँ के लोगों को, 107 लोगों का बलिदान हुआ है इस महाराष्ट्र राज्य के लिए, हमारे पूर्वजों ने बलिदान किया है। उनका स्मारक जाकर देखिए, हुतात्मा स्मारक जिसे हम कहते हैं। लेकिन आज भी वो संघर्ष खत्म नहीं हुआ। आज जो दिल्ली में लोग बैठे हैं, जो लॉबी बैठी है, व्यापारी लॉबी, वो आज भी महाराष्ट्र और मुंबई को कमजोर करना चाहते हैं। और हम आप भी उसी मूड में है लड़ने के, महाराष्ट्र बचाने के लिए, चाहे शरद पवार साहब हो, चाहे उद्धव ठाकरे साहब हो। ये इतिहास है छत्रपति शिवाजी महाराज के जमाने से कि महाराष्ट्र कभी दिल्ली के सामने झुका नहीं, ना बिका है कभी महाराष्ट्र। कुछ लोग चाहते हैं कि महाराष्ट्र बिकाऊ बने, झुकाऊ बने, लेकिन जब तक यहाँ शिवसेना है और शरद पवार जैसे नेता है, उद्धव ठाकरे साहब जैसे नेता है, तब तक ये महाराष्ट्र ना झुकेगा दिल्ली के सामने, ना कभी बिकेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।